हाँ जी डियर व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो आज हम एग्रीगेट डिमांड का जो टॉपिक है जिसके बारे में हमने पहली वीडियो के अंदर भी डिस्कशन किया था, तो वो आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। सो आज हम एग्रीगेट डिमांड का जो वीडियो का सेकेंड पार्ट लेके आए हैं, जिसका आज टॉपिक का हमारा नाम है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल भी हम इसे कह सकते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड बिहेवियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहेंगे। एग्रीगेट डिमांड के बिहेवियर का ये मतलब होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है किसी कंट्री के अंदर वो कैसे बिहेव करती है, बिहेव किसके अकॉर्डिंग करती है। ठीक है, तो हमें ये सभी को पता है कि हम डिमांड तब क्रिएट करेंगे जब हमारे पास उस गुड्स या सर्विस को ख़रीदने के लिए इनकम होगी या पैसा होगा। तो बेसिकली देखा जाए कि जो हमारी डिमांड है या एग्रीगेट डिमांड है वो फंक्शन किस चीज़ का है, वो फंक्शन है आपका इनकम का। सो इसको अगर बेसिक माइक्रो लेवल पे देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको मैक्रो लेवल पे देखें तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो फंक्शन किसका है, इनकम का। फंक्शन ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि जैसे ही आपका इनकम लेवल अप डाउन होता है या बढ़ता है या कम होता है, तो उसके साथ आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इफ़ेक्टेड होती है। जैसे ही आपका इनकम लेवल बढ़ेगा, इट मींस आपकी डिमांड्स है जो एग्रीगेट डिमांड्स का लेवल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो डायरेक्टली बिलोंग करता है इनकम और एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम, कि जैसे जैसे इनकम का लेवल बढ़ता है तो आपका एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी बढ़ता है, और जैसे जैसे इनकम लेवल कम होगा तो वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी कम होगा। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जैसे हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा है कि एग्रीगेट डिमांड है जो इनकम के साथ बिलोंग करता है, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब डायरेक्टली बिलोंग करता है, कि जैसे जैसे आपका इनकम लेवल बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी बढ़ेगा। अब दूसरा हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि जो एग्रीगेट डिमांड का जनरल प्राइस लेवल के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स है, जनरल प्राइस लेवल के साथ जो रिलेशन है वो इनवर्स है। इनवर्स का मतलब ये है कि जैसे ही कंट्री के अंदर ऑल गुड्स एंड सर्विस का प्राइस लेवल अप होगा, तो उसी तरीके से कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड का लेवल डाउन आ जाएगा, क्योंकि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो ये दो अलग अलग इकोनॉमिक्स के अंदर जो विचार हैं इकोनॉमिक्स के वो दिए हुए हैं, तो इन दोनों के जो व्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि जो जनरल प्राइस लेवल का कंसेप्ट है एग्रीगेट डिमांड के साथ, ये हमारे क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स्ट है उन्होंने दिया है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स्ट। जबकि जो एग्रीगेट डिमांड इनकम के साथ बिलोंग करके या आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट के साथ बिलोंग करके वाइस वर्सा रिलेशन बनाया है, तो ये जो एनालिसिस है ये हमारे केन्स का है, जो हमारे एक तरह के मॉडर्न इकोनॉमिक्स्ट में आते हैं। तो जो केन्स का एनालिसिस है वो वाइस वर्सा है, क्योंकि केन्स एग्रीगेट डिमांड को बिलोंग करता है इनकम से, आउटपुट से और एम्प्लॉयमेंट से। जबकि जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स्ट है उन्होंने जब एग्रीगेट डिमांड की स्टडी किया तो उन्होंने ये बताया कि हम जो एग्रीगेट डिमांड को बिलोंग कर रहे हैं वो जनरल प्राइस लेवल से कर रहे हैं, तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड का जनरल प्राइस लेवल के साथ रिलेशन है वो क्या होगा, इनवर्स होगा। पर जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ हम वाइस वर्सा रिलेशन ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है वो मॉडर्न केन्स की थ्योरी के ऊपर ही आधारित है। तो ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है, जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स है उनकी थ्योरी है, जबकि ये वाली जो थ्योरी है हमारे पास, ये हमारे पास केन्स की थ्योरी है, और हम इस चैप्टर के अंदर पूरे का पूरा केन्स का ही एनालिसिस करेंगे, ना कि जनरल प्राइस लेवल का। अगर मैं आपको इनके बेसिक डायग्राम बना के दिखाऊं, तो बेसिक डायग्राम के अंदर क्या होगा कि अगर मैं केन्स का बनाता हूं, सपोज़ करो कि वाइस वर्सा रिलेशन बनाता हूं, जिसके अंदर हमने ये बताया कि एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और तीसरा है हमारे पास मनी, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट और मनी यानी कि इनकम। तो इसका एग्रीगेट डिमांड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कि जैसे ही हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट होगा या आउटपुट बढ़ेगी या लोगों की इनकम बढ़ेगी, हालांकि ये तीनों होते एक तरह से ही हैं, क्योंकि देखो जैसे ही आउटपुट बढ़ती है, आउटपुट बढ़ने से, प्रोडक्शन होने से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट होगा तो आपकी इनकम भी क्या होगी, बढ़ेगी, इसलिए एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी बढ़ेगा।
तो इसके अंदर डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसकी जो कर्व है वो हमारी डाउनवर्ड टू अपवर्ड टू द राइट हैंड साइड, तो एग्रीगेट डिमांड की कर्व है जो वो अपवर्ड जाएगी। अपवर्ड इसलिए जाती है क्योंकि दोनों के अंदर रिलेशन क्या है, वाइस वर्सा है। तो हम इसको इस साइड लिख देते हैं एग्रीगेट डिमांड। अगर इस कर्व को थोड़ा ऐसे बनाना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसका रीज़न भी हम आगे क्लियर करेंगे कि यहाँ से क्यों बनती है। तो यहाँ पे हमने आउटपुट लिख लिया, इस साइड ही हमने एम्प्लॉयमेंट लिख लिया, और यहीं पे क्या लिख ली, इनकम लिख ली। तो जैसे जैसे देखेंगे कि आप आउटपुट का लेवल बढ़ रहा है, उसी तरीके से हमारा इनकम का लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। अगर आउटपुट का लेवल ये है, इसका मतलब कि हमारी एग्रीगेट डिमांड इस पॉइंट पे है, जिसको हम A1 लिख लेते हैं। जैसे ही आउटपुट का लेवल बढ़ेगा तो आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से दोबारा फिर हमारा एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या हो जाएगा, अप। मतलब जितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलता जाएगा, उसी तरीके से हमारी कंट्री के अंदर लोगों की एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो इन दोनों के अंदर जो रिलेशन है वो हमारा वाइस वर्सा है। अब इतने लोगों को रोज़गार और मिल गया, तो इसके साथ कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड का लेवल और अप हो जाता है, ठीक है। तो ये केन्स की सोच है, तो इसको हम एग्रीगेट डिमांड या इसको वाई लिख सकते हैं। वाई इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि जो एग्रीगेट डिमांड है, मैंने ऊपर बताया कि वो फंक्शन किसका है, इनकम का है। अब इसके बाद हम करते हैं बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो इसका हम शेड्यूल बनाते हैं। सपोज करो हमने यहाँ पे इनकम ले ली और यहाँ पे हमने लिख ली एग्रीगेट डिमांड, तो ये आपकी एग्रीगेट डिमांड होगी और ये वाली होगी इनकम। अब किसी व्यक्ति की सपोज करते हैं कि जो इनकम है वो क्या है, जीरो है, और उसके बावजूद भी वो व्यक्ति वो खर्चा वो कितना कर रहा है, 30 कर रहा है। तो आपके माइंड में अब ये बात आएगी, जब वो पैसा ही नहीं कमा रहा तो उसकी इनकम है वो एग्रीगेट डिमांड है वो 30 कैसे हो सकती है। तो इसके पीछे दो रीज़न है। इसके पीछे पहला रीज़न तो ये होगा कि वो व्यक्ति अगर 30 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो वो किसी से इसका मतलब बोरो कर सकता है कि मेरी इनकम नहीं हुई आज, मेरे को मान लो कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, तो फिर भी मैं अपनी डिमांड 30 रखी हुई है, और ये 30 मैंने इसलिए रखी हुई है क्योंकि हर एक व्यक्ति को मिनिमम सर्वाइव करने के लिए खर्चा करना पड़ता है। अगर वो खर्चा नहीं करेगा तो एक साइकोलॉजिकल लॉ है कि वो भूखा मर जाएगा। तो इस खर्चे को हम इकोनॉमिक्स के अंदर डोनेट करते हैं C-बार से। तो C-बार वो एक्सपेंडिचर होता है जो किसी व्यक्ति को सर्वाइवल करने के लिए करना ही पड़ता है, चाहे उसकी इनकम क्या हो, इनकम चाहे ज़ीरो हो, लेकिन सर्वाइव करने के लिए उसको एक मिनिमम खर्चा करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं C-बार, और इसी को हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो ये आपको वर्ड बार बार न्यूमेरिकल में भी रिपीट होगा और हमारे कंसेप्ट्स के अंदर भी ये बार बार आएगा, ठीक है। तो C-बार आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि C-बार वो कंजम्पशन है जो किसी व्यक्ति को मिनिमम सर्वाइव करने के लिए करना ही पड़ेगा, चाहे उसकी इनकम क्या हो, ज़ीरो। लेकिन ये सर्वाइव करने के लिए पैसा कहाँ से आता है, बिना इनकम से, तो या तो वो व्यक्ति क्या करेगा, बोरो करेगा किसी से, उधारा ले लेगा, अपने दोस्त से उधारा ले लेगा, किसी से भी ले लेगा, या दूसरा क्या करेगा कि वो जो अपनी ओल्ड सेविंग्स हैं, मान लो उसके पास कल की सेविंग बची पड़ी है या उससे पहले की सेविंग बची पड़ी है, तो वो उस ओल्ड सेविंग को यूज़ कर सकता है, ओल्ड सेविंग को यूज़ कर सकता है। आज रोज़गार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तो या तो वो अपने किसी फ्रेंड से पैसा बोरो कर लेगा, अगर बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उसके पास पहले ही अपनी ओल्ड सेविंग सिक्योर है। तो दो तरीके से हम अपना ऑटोनॉमस कंजम्पशन है जो उसको पूरा कर सकते हैं, चाहे हमारे पास इनकम भी ना हो। तो ये C-बार को करने के लिए हम बोरो कर सकते हैं, या हमारी जो पिछली सेविंग्स हैं उनको हम निकाल के अपना जो मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से C-बार क्लियर होगा, ठीक है। तो अब दूसरी बात है कि हमारी इनकम सपोज करो अब जीरो से बढ़कर कितनी होगी, 20 होगी। तो आपकी इनकम में चेंज कितना आया, 20। अब यहाँ से एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, यानी कि आपका एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा।
पर मेन बात समझने वाली ये है कि जितनी आपकी इनकम में चेंज आया उतना आपका कंजम्पशन में चेंज नहीं आएगा, उससे कम आएगा। तो पूछोगे कि क्यों, तो उसका रीज़न ये है कि हमारा एक साइकोलॉजिकल लॉ है जिसके बारे में हम आगे डिस्कशन भी करेंगे, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन ये है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है या आपका एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी बढ़ता है, लेकिन जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उससे जो कंजम्पशन है वो कम बढ़ता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सेविंग की तरफ भागता है। अब यहाँ पे देखोगे कि उसकी इनकम कितनी बढ़ी, इनकम आपके पास बढ़ी 20, लेकिन उस व्यक्ति का कंजम्पशन कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उस व्यक्ति की इनकम बढ़ रही है वो अपना खर्चा तो बढ़ा रहा है, लेकिन वो खर्चा इनकम जितनी बढ़ी है उससे कम बढ़ा रहा है, क्योंकि उसको अपने फ्यूचर के बारे में चिंता है, इसलिए वो कुछ पैसा सेव करना चाहेगा कि अगर 20 रुपये आज एक्स्ट्रा कमाए हैं तो इसमें से मैं 5 या 10 खर्च करूँगा। आप इसको 10 भी लिख सकते हैं कि सपोज करो उसने 10 रुपीज़ खर्च कर लिए तो वो 10 रुपीज़ सेव करेगा। सेव इसलिए करेगा ताकि उसको अपने फ्यूचर के बारे में सिक्योर हो सके। तो इसीलिए ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए कि इनकम बढ़ने से आपका कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन जितनी इनकम बढ़ती है उससे कंजम्पशन कम बढ़ता है, क्योंकि आपको अपने फ्यूचर की चिंता होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अब इसी के बाद सपोज करो कि उस व्यक्ति की इनकम 40 होगी, तो जैसे ही 40 होगी तो इधर से इसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, पर बात वही आएगी कि 20 रुपये अगर इनकम बढ़ी है तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा। 10 बढ़ा लो, 12 बढ़ा लो, 15 बढ़ा लो, लेकिन आप 20 से कम रखोगे, क्योंकि आपका ये साइकोलॉजिकल लॉ है। और उसके बाद हमने इसकी इनकम कितनी कर दी, 60, मतलब 20 रुपये इनकम बढ़ गई तो इधर से कंजम्पशन भी कितना बढ़ गया, 10 रुपये बढ़ गया। तो उसके बाद इसकी इनकम 80 होगी तो कंजम्पशन 70 हो गया। अब इनकम और बढ़ गई तो कंजम्पशन 80 रहे, ठीक है जी। तो अब आपको यहाँ से बात क्लियर होगी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो उसका कंजम्पशन का लेवल भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक आपको पॉइंट आता है कि उसकी सेविंग्स कैसे चलेंगे। अब आपको ये भी पता है कि जो एग्रीगेट डिमांड है इसी को हम कंजम्पशन कह सकते हैं, और जो फार्मूला हमारे पास है वाई इज़ इक्वल टू सी प्लस एस, फार्मूला भी क्या है इसको समझ ही लेते हैं कि वाई का मतलब क्या होता है, इनकम, सी का मतलब कंजम्पशन, एस का मतलब सेविंग। कि कोई भी व्यक्ति अपनी इनकम को या तो गुड्स एंड सर्विस के ऊपर खर्च करेगा या उसको क्या करेगा, सेव करेगा। तो दोनों को जोड़ के हमारी क्या बनती है, इनकम। तो अब हमने निकालनी क्या है, सेविंग निकालनी है। तो सेविंग कैसे निकलेगी, अगर हम कंजम्पशन को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि इनकम में से जो आपने पैसा खर्च कर दिया वही आपकी क्या होती है, सेविंग होती है। तो यहाँ पे यही बात है कि अगर आप अपनी इनकम में से कंजम्पशन को क्या करोगे, माइनस, 0 में से 30 माइनस करोगे तो सेविंग क्या आ गई, -30। आप 20 में से 40 माइनस करोगे तो -20, 40 में से 50 माइनस करोगे तो -10, 60 में से 60 माइनस करोगे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपको +10 मिलेगा और यहाँ पे आपको +20 मिलेगा। अब इसमें से आपको एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ ए ब्रेक इवन पॉइंट, तो क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होता है कि जिस समय आपका कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के इक्वल है, कि मतलब जितना पैसा आप कमा रहे हो और उतना ही पैसा क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो उसी पॉइंट को इकोनॉमिक्स के अंदर हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट की आपके पास दो कंडीशन होती है कि या तो आपका एग्रीगेट डिमांड और इनकम इक्वल हो जाए तो वो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो सकता है, और इसी पॉइंट पे आप देखोगे कि उस व्यक्ति की सेविंग क्या है, 0। इसका मतलब कि जिस पॉइंट पे सेविंग 0 होगी वो भी क्या होता है आपका, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट सबको क्लियर हो गया, जब तक सेविंग नेगेटिव है जब तक ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आएगा, जैसे ही 0 आएगी सेविंग तो उसी समय आपका कौन सा पॉइंट आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे एग्रीगेट डिमांड और इनकम एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल। सो अब हम इस डायग्राम से लेते हैं हमारी ऑब्जर्वेशंस, कि हमने इस डायग्राम का एनालिसिस करके ऑब्जर्वेशन क्या लिया। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये हुई कि मैं आपको शॉर्ट में लिखवाता हूँ कि जैसे ही आपकी इनकम का लेवल बढ़ेगा तो आपका एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, मतलब कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो किसी भी व्यक्ति की जो डिमांड्स हैं वो इंक्रीज होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये हो गया, ठीक है। आप बुक में से पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, मैं आपको साइन लैंग्वेज में समझा देता हूँ।
अब दूसरी बात हमने यहाँ से ये समझी थी कि जैसे ही इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, ये तो बात होगी क्लियर। अब दूसरी बात ये थी कि जितनी इनकम बढ़ेगी उसके मुकाबले कंजम्पशन क्या बढ़ेगा, कम बढ़ेगा। तो ये जो इनकम चेंज हुई है इसकी, इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा वाई, कि इनकम में चेंज आया, इट मीन्स आपका कंजम्पशन में भी क्या आया, चेंज, इसको डेल्टा बोलते हैं। चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन इनकम, कि जैसे ही इनकम में चेंज आएगा कंजम्पशन में चेंज आएगा। तो मैंने ये बताया था कि जैसे ही इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ता है, लेकिन जो इनकम बढ़ेगी वो कंजम्पशन के मुकाबले ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, सेविंग करता है। तो इसमें आया कि इनकम में चेंज होने से कंजम्पशन में भी चेंज आएगा, लेकिन जो कंजम्पशन में चेंज आएगा वो कम आएगा, किसके मुकाबले, इनकम के मुकाबले में। किसी व्यक्ति की इनकम 40 बढ़ी है तो उसका कंजम्पशन 40 से क्या बढ़ेगा, कम बढ़ेगा, बढ़ेगा जरूर लेकिन कम बढ़ेगा। तीसरी बात होती है कि इनकम चाहे किसी व्यक्ति की ज़ीरो भी हो, लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। जैसे कि आप इस ऑब्जर्वेशन में देखेंगे, उस व्यक्ति की इनकम ज़ीरो है लेकिन कंजम्पशन ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि हर एक व्यक्ति को एक मिनिमम लेवल का कंजम्पशन करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी बार, या इसी को हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन या मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। तो इनकम ज़ीरो होने से एग्रीगेट डिमांड ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक व्यक्ति का एक ऑटोनोमस कंजम्पशन है, जिसको हम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन बोलते हैं, और साइन लैंग्वेज में बोले तो इसको सी बार बोलते हैं। तो ये था आपका बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल। इसके बाद हम इसके डायग्राम के बारे में चर्चा करते हैं। अब बात आती है इसकी कर्व की, किसकी कर्व कैसे बनेगी। तो जैसे कि केन्स ने बताया था कि जो एग्रीगेट डिमांड है और आउटपुट है या इनकम है, यहाँ पे हमने लिख लिया इनकम, या इसी को हम लिख सकते हैं आउटपुट, या इसी को हम लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि तीनों के अंदर एक डायरेक्टली लीनियर जो रिलेशन है। तो ये वाली कर्व होगी हमारी इनकम वाली, कि उस व्यक्ति की इनकम कॉन्टिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कर्व बनेगी वो 45 डिग्री पे बनेगी। ये 45 पे क्यों बनती है, इसके बारे में हम 8th चैप्टर के अंदर शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के अंदर भी चर्चा करेंगे, कि क्योंकि केन्स ने अपनी थ्योरी के अंदर कुछ तीन बेसिक अजम्पशन ली हुई हैं, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वो एंगल 45 का क्यों बनता है, ठीक है। तो वो जब हम 8th चैप्टर करेंगे उसके अंदर आपको डिटेल में बताया जाएगा। बेसिकली जब तक आपको 7th चैप्टर क्लियर नहीं होगा तब तक आप 8th चैप्टर नहीं कर सकते, क्योंकि 8th और 9th और 7th चैप्टर तीनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। तो अब यहाँ से हम बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड की कर्व। तो एग्रीगेट डिमांड की कर्व हमने मान लो ये बना दी, ठीक है। अब ये यहाँ से क्यों शुरू करी है, हमने ज़ीरो से क्यों नहीं शुरू की, जबकि इनकम हम ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं। मान लो प्रोडक्शन ही नहीं, प्रोडक्शन नहीं है तो इनकम नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसलिए उस व्यक्ति की इनकम क्या होगी, ज़ीरो। लेकिन डिमांड ऊपर से इसलिए स्टार्ट की है क्योंकि डिमांड कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जो ये वाला कंजम्पशन है, इनकम ज़ीरो है फिर भी उस व्यक्ति को कंजम्पशन करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये कौन से कंजम्पशन की बात कर रहा है, वो सी बार की, कि चाहे उसकी इनकम ज़ीरो हो लेकिन उसको इस लेवल का खर्चा करना ही पड़ेगा, और ये वो उसका वो लेवल है जो उसको मिनिमम सर्वाइव करने के लिए कंपलसरी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सी बार। तो जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और इनकम बराबर होगी तो ये आपका इस पॉइंट पे सेविंग क्या हो गया, ज़ीरो, क्योंकि वो जितना खर्चा कर रहा है, जितना वो खर्चा कर रहा है उतना ही वो पैसा कमा रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये आपका एक बेसिक डायग्राम है, इसको मैं ऑटोनोमस वाले से भी और जो कंजम सी प्लस आई वाला जो टॉपिक है उसके अंदर भी मैं इसका कर्व आपको बना के दिखाता हूँ। ये भी मैंने एक बेसिक डायग्राम आपको बना के दिखाया है। तो अब ये दूसरा डायग्राम कैसे बनता है, देखिए। सबसे पहले ये हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया और इधर हमने वाई एक्सिस ले लिया, जो कि हम मैथ के अंदर भी करते हैं। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने लिया सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट, फिर लिया हमने प्रोडक्शन, और इधर ले लिया हमने इनकम। मतलब ये वही है, सबसे पहले आपका प्रोडक्शन होगा, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगी, इनकम, और इधर होगी हमारी एग्रीगेट डिमांड। तो सबसे पहले हमने एक लाइन बनाई जिसको हम बोलते हैं आई। इसको क्या बोला, आई। आई का मतलब क्या है कि यही हमारा सी बार है, कि ऑटोनोमस कंजम्पशन, कि ये वो वाला कंजम्पशन है, चाहे आपकी इनकम बढ़े या ना बढ़े आपको ये कंजम्पशन करना ही पड़ेगा, जो कि
इनकम से मुक्त है, मतलब इसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं। आपको ये वो खर्चा जो करना ही पड़ेगा, जैसे हमने सपोज करो कि ये 20 ले लिया कि ये वो कंजम्पशन है जो आपको करना ही होगा। अब सपोज करो कि कुछ समय के बाद उस व्यक्ति की इनकम इंक्रीज़ होगी, ये तो वो कंजम्पशन है, उसको करना ही पड़ेगा, चाहे वो सारी ज़िंदगी पैसा ना कमाए, वो कहीं ना कहीं से जैसे मर्जी एडजस्ट करके अपना जो कंजम्पशन है वो करेगा। अब सपोज करो कि एक कर मैंने यहाँ से ले ली और इसको डोनेट कर दिया सी से। अब ये सी क्या चीज़ है, ये वो वाला कंजम्पशन है, ये व्यक्ति उस समय करेगा जब उस व्यक्ति की क्या बढ़ेगी, इनकम, नहीं तो उसको ये वाला तो करना ही पड़ेगा। अब उस इनकम बढ़ने से सपोज करो उसने अपना कंजम्पशन कितना बढ़ा दिया, 30 रुपये बढ़ा दिया, तो अब उसकी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, तो 30 रुपये तो उसने कंजम्पशन तब बढ़ाया जब उसकी क्या बढ़ी, इनकम, और 20 रुपये वो ऑलरेडी मिनिमम सर्वाइव करने के लिए क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था। अगर मैं इन दोनों लाइंस को, इस लाइन को यानी कि सी बार वाली को और इस लाइन को, ये वो लाइन है जो बिलोंग करती है उस एक्सपेंडिचर को जब उसकी क्या बढ़ती है, इनकम, और ये वाली लाइन वो है जो उसको कंजम्पशन करना ही होगा। अगर इन दोनों को जोड़ दूँ तो वही हमारी क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड। तो 20 तो ये कर ही रहा था, 30 इसने तब किया जब उसकी क्या बड़ी, इनकम। 20 और 30 सपोज करो कि मैंने इसको यहाँ से ले लिया, तो ये आ गई हमारी एग्रीगेट डिमांड जिसको हम बिलोंग करेंगे सी प्लस आई से। तो सी वो खर्चा हो गया जो उसने तब किया जब उसकी क्या बड़ी, इनकम। जब तक उसकी इनकम नहीं बढ़ी थी वो खर्चा 20 रुपये कर ही रहा था सर्वाइव करने के लिए। और जो आई वर्ड है ये बिलोंग कर रहा है किसको, जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है। तो दोनों को जोड़ के ही उसकी क्या बनेगी, एग्रीगेट डिमांड। और आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि ये वाली मान लो 50 होगी, इन दोनों को ऐड करके, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइंस को मैंने ऐड करके ही ये वाली लाइन बनाई है। तो क्लियर है सभी को, तो इन दोनों लाइंस को ऐड करके हमने ये वाली लाइन बना ली। अब इसमें समझने वाली बात ये थी कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के बिल्कुल पैरल बनेंगी। अब पैरल क्यों बनेंगी, इसका भी रीज़न है, क्योंकि आप देखोगे कि जो मैंने ये ऑटोनोमस कंजम्पशन वाली लाइन है इसको इसके पैरल बनाया है, मतलब हर जगह पे 20 20, यहाँ पे देखो तब भी 20, यहाँ से देखें हर जगह पे इसके अंदर डिस्टेंस इक्वल है, 20 20 है। और इस लाइन के अंदर ऐड कौन सी की है, ये वाली, यानी कि इस पॉइंट पे भी मैंने 20 जोड़ा, इस पॉइंट पे भी, सभी जगह पे मैंने 20 20 ऐड किया। अगर 20 20 ऐड करूँगा तो सभी जगह पे डिस्टेंस क्या होएगा, इक्वल होगा, इसलिए ये वाली लाइन इसके क्या बनेगी, बिल्कुल पैरल बनेगी। तो ये था आपका डायग्राम एग्रीगेट डिमांड का। उम्मीद करता हूँ कि सभी व्यूवर्स को पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स से शेयर करें।